देखते हैं माहौल टाइट है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज़। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। सावन का पावन महीना चल रहा है और साथ ही चल रही है आस्था और सैलाब के साथ भक्ति की यात्रा, कांवड़ यात्रा। और इस कांवड़ यात्रा के साथ साथ विवाद भी साथ चल रहा है। और इस विवाद पर, कांवड़ यात्रा पर अब तक आपने न्यूज चैनल्स में बहस देखी होगी, चर्चा देखी होगी, लेकिन आज जी न्यूज के मंच पर आप देखेंगे सबसे बड़ा समागम, और वो समागम होगा कांवड़ समागम। हमारे साथ तमाम मेहमान भी जुड़े हुए हैं और मेरे सहयोगी राम भी हैं। राम, बिल्कुल धन्यवाद प्रत्युष आपका। और जिस समागम का आप जिक्र कर रहे हैं, भगवान भोले का यह पावन महीना सावन का चल रहा है। हमारे साथ इस वक्त बहुत से कांवड़िए मौजूद हैं जो इस पवित्र यात्रा के साक्षी बने हैं। लेकिन इस कार्यक्रम की शुरुआत से पहले मैं चाहता हूं कि भगवान भोले के एक श्लोक से इसकी शुरुआत होनी चाहिए। तो मेरे साथ आप लोग जयकारा बाद में लगाइएगा, लेकिन पहले बोलिए कि यास्यांके चा विभाति भूधर सुता देवा पगा मस्तके भाले बाल विधुर गले चगरलम यास्यो रसी व्यालराट सो अयम भूति विभूषण सुरवरा सर्वाधिपा सर्वदा सर्व सर्वगता शिवा शशि निभा श्री शंकरा पातु माम। अब बोलिए ओम नमः पार्वती पते हरे हरे हर महादेव। तो ये समागम हम उम्मीद करते हैं कि विवादों से दूर रहे, और जितने प्रश्न लोगों के मन में कांवड़ यात्रा को लेकर हैं, कांवड़ियों को लेकर हैं, वो सारे के सारे हल होने चाहिए प्रत्युष। यही समागम का और यही समागम का हमारा उद्देश्य है, यही मकसद भी है। और हम इस समागम को तीन अध्यायों में आज बांटेंगे। पहले अध्याय में बात होगी कांवड़ वर्सेस अजान की, क्यों होगी, किसने अजान से तुलना कर दी है, यह भी आपको बताएंगे और उस पर चर्चा करेंगे। दूसरा अध्याय होगा कि कांवड़ यात्रा पर आतंकी साया क्यों है, क्यों एसटीएफ की तैनाती करनी पड़ी है। और तीसरा अध्याय वो होगा जिसमें कांवड़ यात्रा के दौरान आपने देखा होगा कि कई जगह से उत्पात के हंगामे की तस्वीरें सामने आ रही। सवाल है कि कांवड़ियों के भेष में कौन मचा रहा है उत्पात, कौन कर रहा है हंगामा, क्या धर्मगुरुओं की ये जिम्मेदारी नहीं है कि उनको समझाया जाए। तो इन तीन अध्यायों पर बात होगी। लेकिन सबसे पहले पहला अध्याय, आखिर मौलाना तौकीर रजा ने अजान से कांवड़ यात्रा की तुलना क्यों कर दी, क्या कुछ उन्होंने ऐसा कहा है जिसको लेकर विवाद खड़ा हो गया है, पहले ये रिपोर्ट देखिए। हमारे 10 मिनट बर्दाश्त नहीं है, हम आपका 1 महीना बर्दाश्त कर रहे हैं। कांवड़ यात्रा को लेकर संग्राम जारी है। जहां एक तरफ शिव भक्त कांवड़ लिए अपनी यात्रा पूरी करने में लगे हैं, तो वहीं इसको लेकर सियासत में भी कई लोग कमी नहीं छोड़ रहे हैं। कुछ ऐसा ही भड़काऊ बयान दिया है तौकीर रजा ने, जिन्होंने कांवड़ यात्रा को नमाज और अजान से जोड़ दिया। 10 मिनट की नमाज आपको तकलीफ पहुंचाती है, 5 मिनट की अजान आपको तकलीफ पहुंचाती है, लेकिन पूरे महीने का कांवड़, पूरी व्यवस्था बदल दी जाती है, पूरे रास्ते बदल दिए जाते हैं, रास्ते बंद कर दिए जाते हैं, यह न्याय है या अन्याय है। इतना ही नहीं, तौकीर रजा यही नहीं रुके, उन्होंने ये भी कह डाला कि कांवड़ का 1 महीना वो बर्दाश्त कर रहे हैं। हमारे 10 मिनट बर्दाश्त नहीं है, हम आपका 1 महीना बर्दाश्त कर रहे हैं। हिंदू तुष्टिकरण का काम किया जा रहा है, सरकारी पैसा तमाम धार्मिक कार्यों पर खर्च किया जा रहा है, यह अन्याय है, इसके खिलाफ तमाम हिंदुओं को भी इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। ये पहली बार नहीं है तौकीर रजा ने जहरीला बयान देकर के माहौल बिगाड़ने की कोशिश की है। इससे पहले हाल ही में उन्होंने धर्म परिवर्तन को लेकर भी बड़ा भड़काऊ बयान दिया था। सवाल है कि आखिर कब तक ऐसे बिगड़े बोल के जरिए सांप्रदायिक सौहार्द खत्म करने की कोशिश की जाएगी। क्या तौकीर रजा को सीएम योगी का वो आदेश नहीं याद जिसमें मुहर्रम और कांवड़ यात्रा के लिए समान नियम बनाए गए थे? आखिर क्यों शांतिपूर्ण तरीके से चल रही यात्रा को लेकर नफरत का खेल खेला जा रहा है?
आज इसी बड़े मुद्दे पर जी न्यूज बड़ी बहस करने जा रहा है, जहां हमारे साथ खुद तौकीर रजा भी होंगे, साथ ही होंगे वो कांवड़िए जिनको लेकर तौकीर रजा सियासत कर रहे हैं। पूछेंगे सवाल की आखिर क्यों हो रही है आजान वर्सेस कांवड़ की सियासत। कावड़ समागम के पहले अध्याय की शुरुआत करूं उससे पहले जल्दी से अपने मेहमानों से आपको मिलवा देता हूं। हमारे साथ हैं स्वामी यशवीर महाराज जी, हमारे साथ हैं उमेशानंद जी महाराज जी, आचार्य विवेक विराट मुद्गल जी हमारे साथ हैं, नवल किशोर दास जी हमारे साथ हैं, और मेरी बाईं तरफ है शेख अलीमुद्दीन असादी साहब, हाफिज गुलाम सरवर साहब हैं, हाजिक खान जी हैं और सैयद जवाद जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो आपने देखा मौलाना तौकीर रजा का बयान, थोड़ी देर में तौकीर रजा भी हमारे साथ होंगे। मैं सबसे पहले हाफिज गुलाम सरवर साहब आप ही से जानना चाहूंगा, ये कांवड़ यात्रा की तुलना नमाज और अजान से क्यों? देखिए सवाल वाजिब है और यात्रा की तुलना यात्रा से ही होनी चाहिए, यात्रा की तुलना अन्य अनुष्ठानों या इबादतों से नहीं होनी चाहिए। अजान और नमाज कोई यात्रा नहीं है, ये एक नियमित इबादत है जो रोज़ाना 5 वक्त हम अदा करते हैं। तो तुलना तो वहाँ हो, जैसे आपके यहाँ डेली शाम को आरती है, अगर उससे तुलना हो तो बात समझ में आए कि भाई रोज़ाना आरती होती है शाम में। लेकिन मुझे ये समझ में बात नहीं आती है कि आखिर हजरत मौलाना तौकीर रजा साहब लगातार पिछले एक महीने से एक मतलब टोटल अगर सिक्सर होता तो 6 गोली होती, इनके पास लगता है AK-47 है, गोली पर गोली दागे जा रहे हैं। आखिर ये मुद्दा दे क्यों रहे हैं कि आप लोग इस पर बहस कर रहे हैं? मैं इस तरह के बहस से चिड़चिड़ा हो गया हूँ। देश में बहुत सारे मुद्दे हैं, अभी दिल्ली में इतनी बड़ी घटना घट गई, IAS की तैयारी करने वाले छात्र छात्राएं, सर गुलाम सरवर साहब, गुलाम सरवर साहब, सवाल पूछती है कि देश में यही रह गया क्या? समागम नमने हिंदू मुस्लिम करेंगे और उसके विवाद को लेकर रखा है ताकि हम किसी हद तक पहुंचे। हमारा उद्देश्य ये, विराट जी ये कह रहे हैं कि उनके पास सिक्सर नहीं, अगर AK-47 होता तो मैं कहता हूं कि AK-47 क्यों दाग रहे हैं। सवाल ये है कि अगर ये कह रहे हैं कि गलत है, इसकी तुलना नहीं की जा सकती, फिर भी अगर तौकीर रजा कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? देखिए कहीं ना कहीं इसके पीछे प्रत्युष जी पूरी की पूरी राजनीतिक षड्यंत्र है, और श्रावण मास के भगवान शिव के सबसे प्रिय मास में जो यात्रा निकली जाती है वो वर्ष में एक ही बार निकाली जाती है, वो भी सिर्फ 15 दिन के लिए, क्योंकि उस 14 दिन में तो उसके बाद वो सभी कांवड़ी अपने शहर गांव में आके भोले बाबा को गंगा जल से अभिषेक करते हैं। और रही बात जिनका आप नाम ले रहे हैं तौकीर रजा साहब के, भाई उन्होंने कहा कि भाई कांवड़ यात्रा और अजान में क्यों तुलना कर रहे हैं, हमें क्यों 5 मिनट के लिए बैठने नहीं दिया जाता? अरे आप तो प्रतिदिन बैठना चाहते हैं, आप हर शुक्रवार को बैठना चाहते हैं, शुक्रवार को बैठने के नाम पे फिर आप ईंटें बरसाते हैं, दंगे करवाते हैं, कत्लेआम मचवाते हैं, और जो अजान आप देते हैं और जो आप बार बार जो भी आपके यहाँ सिस्टम है, मुझे तो इतना जानकारी नहीं है परंतु जो मैं सभी टीवी चैनल के माध्यम से सुनता हूँ, वो आप दूसरे समुदाय के लोगों को काफिर कहते हैं, उसी का उनको कत्लेआम करने के लिए प्रेरित कर रहे होते हैं कि भी आप ऐसे लोगों को कभी भी पसंद मत करो जो हिंदू धर्म को मानते हैं या इस्लाम को ना मान के दूसरे संप्रदाय से जुड़े हैं, उनको अपनी जमात को इकट्ठा करके आप इस तरह की कार्रवाई अगर करते हैं तो उसका तो सरासर विरोध होना चाहिए, फिर तो वो बैठना नहीं चाहिए। दूसरी बात उन्होंने कही कि आप बाकी मेहमानों का भी रुख करूंगा, लेकिन हमारे साथ इस वक्त देवकी नंदन ठाकुर जी इस वक्त जुड़ चुके हैं, मशहूर कथावाचक है, धर्मगुरु है। देवकी नंदन ठाकुर जी, आपने सुना होगा मौलाना तौकीर रजा का बयान, वो कह रहे हैं कि आपसे 5 मिनट की अजान आपसे बर्दाश्त नहीं होती, 10 मिनट के लिए अगर हम सड़क पर नमाज पढ़ लेते तो आपको दिक्कत हो जाती है, हम तो पूरे 1 महीने आपको बर्दाश्त करते हैं। हाँ, क्योंकि उनके कुरान में ये लिखा ही नहीं गया है कि तुम अपने मुसलमानों के अलावा किसी को बर्दाश्त करो, वहाँ जो लिखा हुआ है और ये जो बोलते हैं, ये जो कुरान करते हैं या कुरान पास वो क्या नाम है अजान करते हैं, अजान के जो वक्तव्य हैं इन लोगों के बयान है, उसमें जो भाव है उसका भाव क्या है? एक ही है, बाकी सबको ख़त्म कर दो।
और जो दूसरा भाव है हम लोग हिंदुओं का, जिसकी कावड़ की बातें ये कर रहे हैं कि हम बर्दाश्त कर रहे हैं, ये जो कावड़ लाते हैं कितनी श्रद्धा से लाते हैं, नंगे पांव चल के आते हैं, 200-250 किलोमीटर पैदल चलते हैं और गंगा जी से गंगा जल लाकर शिव जी पर अभिषेक करते हैं, और अभिषेक करते हुए कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कस्य दुख भाव भवेत्। इस संसार में समस्त प्राणी मात्र सुखी रहे। एक तो वो व्यक्ति हैं जो ये कह रहे हैं कि हम रहें बाकी सब मर जाएं, और एक वो हैं कि संसार में सिर्फ मनुष्य ही नहीं, जितने भी जीव हैं, नवचर गगनचर थलचर, वो सभी सुखी रहें, समृद्ध रहें। अब आप बताइए कि आप हमें बर्दाश्त कर रहे हैं क्या? हम पूरे विश्व के लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो आप हमें बर्दाश्त कर रहे हैं? आप ये बर्दाश्त नहीं कर सकते हम प्रार्थना करें? और आप इसमें मोहन जी, बड़े दुख की बात है कि लोग इस भावना को उन लोगों से जोड़ देते हैं जो 1300-1400 साल पुराने, और सनातन धर्म जगत जिसकी कावड़ के ऊपर ये लोग इतना हु हल्ला मचा रखा है। आपको एक बात बताता हूँ, अभी मैं पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करा के और रुद्राभिषेक करके आया हूँ। हमारे इस अभिषेक में, शिव जी के जल चढ़ाने में, पूजा पाठ करने में सबसे महत्वपूर्ण है पवित्रता और शुद्धता। और पवित्रता शुद्धता नहीं होगी, क्योंकि मैं सुबह से अभी तक मैंने अन्न का एक ग्रास नहीं लिया। कितने बज रहे हैं? क्यों नहीं लिया? क्योंकि मुझे रुद्राभिषेक करना है, मैं स्नान करके आऊंगा, मैं शुद्ध रहूंगा और फिर जाके अभिषेक करूंगा। और ये जो कावड़ लाने वाले 250-300 किलोमीटर पैदल चल के आते हैं और उनको किसी के यहाँ भी खाने के लिए विवश कर दिया जाए, मैं और वो कहें कि तुम किसी के यहाँ भी खाओ, तुम्हें पता ही नहीं होगा कि खिला कौन रहा है, तो ये सनातन का अपमान है। और ऐसा जो बयान देने वाले जो लोग हैं ना, ये जो आप जिनके ऊपर बहस करवाते हो, मैं तो उन लोगों का नाम भी नहीं लेना चाहता, न वो भारत को जानते ना भारत के सभ्यता को जानते। देवकी नंदन जी, हमारे साथ कई धर्म गुरु भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कई मुस्लिम स्कॉलर भी हैं, इस्लामिक स्कॉलर भी हैं, और थोड़ी देर में तौकीर रजा भी हमारे साथ जुड़ेंगे। असादी साहब, तो फिर ऐसा बयान क्यों दिया मौलाना तौकीर रजा ने? क्या समाज को बांटने की कोशिश है या नफरत घोलने की कोशिश है, क्या है ये? मोहन जी माइक ले लें सर, ये मोहन जी माइक लेके बोलिए सर, माइक ले लीजिए आपने। कभी भी मुसलमानों ने कांवड़ का विरोध नहीं किया, जहाँ से कांवड़ गुजरते हैं मुसलमान फूल बरसाकर उनका स्वागत करते हैं, उनका इलाज करते हैं, उनका खान पान की व्यवस्था करते हैं। आप देखेंगे जहाँ से ये शुरू होता है कांवड़, वहाँ से लेकर दिल्ली तक, जहाँ तक मेरा निवास है वहाँ मैं देखता हूँ, हमारे यहाँ जमुना पार में सैकड़ों हजारों मुसलमान शिविर में मुसलमान हिंदू भाइयों की सेवा करते हैं, उनकी दवा दारू करते हैं, खान पान का निजाम रखते हैं, कोई हमें इतराज नहीं है। रहा सवाल 1400 साल का या अजान का, यह सियासत है। आप नहीं, आप ये जो है, ये जो असादी साहब, ये जो बर्दाश्त करने की बात आई, ये कहां से आई? नहीं, जब नहीं, सेवा करते हैं, ये व्यक्तिगत राय उनकी, तो ये बर्दाश्त नहीं, ये मुसलमानों की तरफ से नहीं है, ये उनकी व्यक्तिगत राय है। रजा मुसलमानों के नुमाइंदे नहीं है? सुनिए, उसके अंदर हमारे यहाँ अलग अलग है। बैठ जाइए सर, आप बैठिए। आपने मेरा वक्तव्य नहीं सुना, आप शुरू हो गए पहले। अरे आप समझिए, आप बोल रहा हूँ, ठीक है? आप बैठ जाइए। हर मजहब के लोगों को बुला के आदान प्रदान करते हैं, जिस जमात से ताल्लुक है। मैं क्या कह रहा, मैं भूल गया। क्या सवाल करना चाह रहे थे आप? नहीं, आप उसका उनके जो स्टेटमेंट दी है उसका विरोध करते हैं नहीं करते हैं? आपने सुना नहीं, सबसे पहले मैंने वही कहा है, आप सुनिए ना कान खोल के, आप सुनिए ना कान खोल के, हमारे यहाँ जीत। अरे आप बैठिए तो सही ना, आपने सुना ही नहीं मेरा वक्त है, आप शुरू हो गए, आप क्षमता रखिए। मैंने अर्ज किया कि हम लोग हिंदू मुसलमान सिख ईसाई भाईचारा बरा रखने का काम करते हैं, जिस जमात से मैं आता हूँ उस जमात का नाम है जमीयत उलमा हिंद, जो साल में 4-5 आपस में बैठकर जो विचार करते हैं, आदान प्रदान करते हैं, और इस देश में किस तरह सुकून और शांति हो और जिस तरह उन्नति हो। आजिक खान जी यही बात तो तौकीर रजा भी कहते हैं कि मैं भी। देखिए पृथ्वी जी, बात यह है कि हमारे मुल्क में जो मजाहिब हैं, सनातन धर्म को मानने वाले हमारे हिंदू भाई हैं और इस्लाम को मानने वाले मुसलमान भाई हैं। इस्लाम कह रहा है कि सारी, अल्लाह ताला कह रहे हैं कि सारी मखलूक मेरा आयाल है,
मेरा परिवार है, मेरी फैमिली है। उसमें अल्लाह ये नहीं कह रहे कि हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई, ऐसे ही सनातन धर्म सारे लोगों की बात करता है और एकता की बात करता है सनातन धर्म ही। इसलिए हमारे मुल्क में कांवड़ियाँ जो यात्रा निकाल रहे हैं, इसकी जिम्मेदारी हिंदुस्तान की, उत्तर प्रदेश की सरकार की बनती है कि इनकी जान की, इनके माल की, इनके वक्त की, इनकी खान की व्यवस्था की, इनकी ट्रेवल की व्यवस्था करें। लेकिन जब विवाद खड़ा हो तो मुस्लिम धर्म गुरुओं और हिंदू धर्म गुरुओं की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? हमारी जिम्मेदारी बता तो रहे कि विवाद को आप ना पैदा होने दें। सर आप सुनी नहीं रहे, आप अपना विवाद भी अंदर है खोल के फेंक रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे मुसलमान भाई जो इस यात्रा में रहते हैं, जो कांवड़ यात्रियों का सम्मान करना चाहिए, उनके खान पान का, उनकी पवित्रता का पूरा ध्यान रखना चाहिए। क्यों? कि ये मुल्क एकता के साथ है। यकीन हो कि ना हो, बात तो यकीन की है, हमारे जिस्म की मिट्टी इसी जमीन की है। मेरे वतन के सारे लोग भाई भाई हैं। ये दूरियों की सियासत किसी कमीन की है जो हमारे बीच में दूरी पैदा करे, धर्म के बीच में दूरी पैदा करे। ये ना तो हिंदुस्तानी है, ना राष्ट्रभक्त है, ना राम भक्त है, ना इस्लाम भक्त है। ये सिर्फ देश के दरिंदे लोग हैं जो देश में अफरा तफरी फैलाना चाहते हैं। कौन है वो लोग? कौन है वो लोग? कोई भी हो, आप जानते हैं, सरकार जानती है। चाहे बताइए ना, कौन है वो? आप कह रहे हैं ना देश में दरिंदे लोग हैं, कौन है दरिंदा? लेते कौन है दरिंदा, ये तो बताइए। जिम्मेदारी बनती है ऐसे नागरिकों के लिए कि जो देश में अस्थिरता पैदा करे, जो देश में एकता को तोड़े। हम उनके हमारे देश में भाईचारे के साथ कह रहे हैं कि ऐसे दरिंदे लोग देश में हैं जो देश की एकता भाईचारे को बिगाड़ना चाहते हैं, लेकिन ये बता नहीं पा रहे कि कौन है वो लोग। सरकार जो देश की व्यवस्था को बिगाड़ रहे, जो हमारे देश में हिंदू मुस्लिम करें, जो एक दूसरे के बीच में दरारें पैदा करें, ये सारे लोग ऐसे हैं जिनके खिलाफ सरकार को कार्रवाई करनी। आप तक आवाज आ रही होगी? जी हाँ, मेरे तक आवाज आ रही है। खरे जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। जिस विषय को लेके ये पूरी बातें उठी है, कांवड़ियाओं को लेकर, क्या आप लोगों ने वो वायरल वीडियो नहीं देखे हैं जो भोजन में लोग थूक रहे हैं, मूत्र विसर्जन कर रहे हैं, और कुछ मुस्लिम पक्षों ने, ये क्या नाम है, शिया और सुन्नी, दो पक्ष होते हैं। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। देखिए, मैं आप जब बोल रहे थे मैं नहीं बोल रहा था, जब आप बोल रहे थे मैं नहीं, मेरी बात सुनिए ना, वो हिंदुस्तान मेरी बात जो इस तरह की हरकत करे। हाँ, मैं आपकी जब आप बोल रहे मैं नहीं बोल, एक मिनट मेरी बात खत्म हो जाने दें और फिर आप इस पे उत्तर भी दें, अच्छा लगेगा। समाज के आगे एक मैसेज जाना चाहिए ना। आपने जब वो क्या नाम है, जब कांवड़िए आते हैं और कांवड़िए जब आते हैं तो हम लोगों ने कई ऐसे वीडियो देखे, कहीं हम थूक रहे हैं, कहीं हम ये कर रहे हैं। और सिया सुन्नी दो समुदाय हैं, उनमें से एक समुदाय के मुसलमानों ने ये कहा कि हम इनके हाथ का पानी भी नहीं पीते, क्योंकि ये पानी भी पिलाते हैं तो थूक के पिलाते हैं। अब मुझे उसमें कन्फ्यूजन है थोड़ा सा कि कौन है, पर फिर भी अगर मुस्लिम ही मुस्लिमों की ये बात कर रहे हैं तो हम कांवड़ चढ़ा रहे हैं, जल लेके आ रहे हैं, बहुत दूर से पैदल चल के आ रहे हैं, उनकी पवित्रता का ध्यान रखने के लिए आपको नाम लिखने में भी तकलीफ है, ऐसा क्यों है? और रही बात दूसरी, जो ऐसा कर रहे हैं, जो थूक रहे हैं, जो मलमूत्र त्याग रहे हैं और वो ऐसा समाज में वीडियो बना बना कर डाल रहे हैं, तो उन लोगों के खिलाफ ये फतवे क्यों नहीं जारी करते? उनको ये इन मुस्लिम समाज सजा क्यों नहीं देता? उन्हें ऐसा करने से क्यों नहीं रोकते? जैसे अभी ये कह रहे थे, हम तो हिंदू भाइयों को बुलाते हैं, उनको कांवड़ में उनका स्वागत करते हैं, अच्छी बात है, करिए। लेकिन उससे पहले उनको रोकिए जो हमारे धर्म को भ्रष्ट करने की प्लानिंग करते हैं, उनके खिलाफ इनको पहले बोलना चाहिए। कोई उदाहरण दे दीजिए आप, कोई उदाहरण दे दीजिए आप, उन्हें क्यों नहीं रोकते? कोई सबूत दे दीजिए। नहीं नहीं महाराज, सबूत दे दीजिए, कोई तस्वीर दिखा दीजिए। हमारे हिंदू भाई जो रोजा अफ्तार करते हैं, व्रत को तोड़ते हैं, वो कहाँ से आता है नमक और कौन खाता है, किससे? हमारी माताएं और बहनें, हमारी हिंदू जो व्रत खोलती हैं, वो कौन से नमक से खोलती हैं और वो कहाँ से आता है, आपकी जानकारी है? वो पाकिस्तान से आता है, जिस नमक से खोलते हैं। आप इस तरह देश में हिंदू मुसलमान नहीं कीजिए। हमारे देश में जो भी नफरत की बात करेगा, हम उसके खिलाफ हैं। फतवा नहीं, उसके घर हम चलेंगे और उसके घर को उजाड़वा देंगे। क्यों? कि वो देश में नफरत पैदा कर रहा है ऐसे लोगों की। मैं आपको कह रहा हूं, वो ना तो मैं आपको कह रहा हूं कि आप उनके खिलाफ हिंदू है, फतवा जारी किए, नफरत अफरी फैलाने वाले लोग, और आप उनकी तायद कर रहे हैं। और एक बात कह दूं कि शिया सुन्नी की बात आप कह रहे हैं, आप जिनकी भाई बहन बनी है ना, कुछ यात्रा में कुछ कहना चाहते हैं ऑडियंस जी, आप जबरदस्ती देश में अफरा तफरी फैलाना चाहते हैं। ये एक, अरे जब मैं आपसे कह रहा हूँ उनको फतवा दीजिए, जो ऐसा कर रहे हैं निभाइए ना भाईचारा, जानती है कि मानव, आप भाईचारा निभाइए ना। यूरोप में क्या हो रहा है, इस देश में 712 में जब से पहला शैतान आया है तब से आज तक
इन शैतानों ने केवल हत्या 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 हिंसा के अलावा देश में क्या किया है? तुम झूठ बोल रहे हो, झूठ आपको मालूम नहीं है दिल्ली में कितने औरंगजेब ने मंदिर बनाए? अरे औरंगजेब ने कितने मंदिर बनाए तुम्हें मालूम नहीं? मालूम नहीं आप सिर्फ नफरत से नफरत देख रहे हो, नफरत परोस रहे हो, नफरत बांट रहे हो। आप केवल इस्लाम को देखना चाहते हैं, आप केवल इस्लाम को देखना चाहते हैं, आप दुनिया में केवल हलाल हलाल आप कहीं भी गंदा खिलाते हैं सबको। हम संवाद कर रहे हैं, बंद कर दीजिए अलकबीर को, बात करना चाहते हैं, बंद कर दीजिए अलकबीर को जो एक हिंदू व्यक्ति चला रहा है, बंद कर दीजिए अलकबीर को। आपके काम समागम कारोबार कर रहा है, समागम चल रहा है, समागम चल रहा है, एक मिनट तो इस समागम की संजीदगी को और गंभीरता को भी सबको समझना चाहिए और कम से कम शब्दों की मर्यादा, शब्दों का चयन अच्छा रखना चाहिए। हमारा उद्देश्य भी यही है कि हम अच्छे से चर्चा करें ताकि अगर जो कहीं कोई विवाद है तो विवाद खत्म हो जाना चाहिए। मैं आ रहा हूं आचार्य नवल किशोरदास जी आपके पास। ये जो नमाज और कांवड़ यात्रा की जो तुलना अब तक बहस में जो चर्चा में जो बात आगे बढ़ी है, अब ये बताइए कि इसको लेकर के कोर्ट भी कहता है कि एक लिमिटेड डेसिमल तक, उससे ज्यादा ध्वनि प्रदूषण नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर ये मुस्लिम समाज की तरफ से आता है कि साहब मंदिरों में भी तो घंटा बजता है, मंदिरों में भी आरती होती है, वहां पर भी ध्वनि प्रदूषण होता है, तो यह मामला उससे और इससे कह रहे हैं कि दोनों का घालमेल नहीं होना चाहिए। क्यों आखिर तौकीर रजा इसको ला रहे हैं बीच में? कुछ लोग बहुत दिन हो जाते हैं कहीं मीडिया में नहीं आते तो कुछ कुछ हाँ। बोल देते हैं मीडिया में आने के लिए हाँ। जहां तक उन्होंने कहा है कि हम एक महीना झेलते हैं हाँ। तो मैं उनको याद दिलाना चाहता हूँ कि आपके यहाँ भी तो रोजे होते हैं, रमजान का महीना एक महीने का होता है हाँ। हमको तो कभी आपत्ति हुई नहीं, हमने तो नहीं कहा कि आप एक महीने तक क्यों करते हो। मैं ये तो उत्सव है, त्योहार है, इस त्योहार में परस्परता होगी तो विवाद बढ़ेगा। जहां तक कांवड़ का आपने अभी एक बात कही है कि कांवड़ में विवाद होता है या कुछ होता है, कांवड़ साल में एक बार होती है और कांवड़ एक ऐसा त्योहार है, हमें प्रसन्नता है कि हमारा प्रत्येक नौजवान उसमें सम्मिलित होता है। जो नौजवान अपने घर में 1 किलोमीटर पैदल नहीं चलता, 200-300 किलोमीटर पैदल चल के आता है, उसकी तपस्या है, उसकी त्याग है। आप छल से कपट से उसकी तपस्या भंग करना चाहोगे तो आपको असुर नहीं कहा जाएगा तो क्या कहा जाएगा? देवता नहीं, देवता कहा जाएगा क्या? आप नाम बदल के, भेष बदल के जो उनको नहीं खाना वो खवाना चाहेंगे तो क्या कहा जाएगा? इसलिए झेल तो हम रहे आप कहा झेल रहे हो जी? स्वामी यशवीर महाराज हमारे साथ है। स्वामी यशवीर महाराज ने हिंदू दुकानदारों से अपील की है कि सभी अपने दुकानों में वराह अवतार की मूर्ति लगाएं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उस अंतरिम रोक को जारी रखा है कि कोई किसी पर दबाव नहीं है कि कोई अपना नेम प्लेट लगाए, स्वेच्छा से जो चाहे लगा सकता है। मैं तो चाहता हूँ कि नाम सदैव लिखे रहे, केवल कांवड़ के समय नहीं, प्रत्येक दुकानदार का नाम लिखा होना चाहिए, पता हो यशवीर महाराज जी, यशवीर महाराज जी खवाना चाहता है। वराह अवतार की मूर्ति ही क्यों? गणेश जी की मूर्ति क्यों नहीं? देखिए शिव जी की मूर्ति क्यों नहीं? माँ दुर्गे की मूर्ति क्यों नहीं? देखिए हमारे सनातन धर्म के 33 करोड़ देवता हैं और हम अपने किस देवता को कहाँ स्थापित करना चाहें, ये सनातन धर्म के लोगों का कार्य है। और आपने प्रश्न किया भगवान वाराह के चित्र के ऊपर, यदि हम भगवान वाराह का चित्र न लगाते, लोगों को सनातन धर्म के लोगों को प्रेरणा न देते, किसी और देवता का हम लोग कह देते अपने इस देवता को लगा लें, तो आप प्रश्न तब भी करते, क्योंकि हमारे तो 33 करोड़ देवता हैं। तो हमने जो किया जी वो इसलिए किया कि भगवान वाराह का अवतार ठीक है अशांति के लिए नहीं, बल्कि जो अशांति संसार के अंदर बढ़ी हुई थी उस अशांति को समाप्त करने के लिए, शांति स्थापित करने के लिए, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।